नमस्कार दोस्तों, नीला मौसल में स्वागत है आपका। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि कनेर से फूल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्राप्त करें, कनेर की देखभाल कैसे करें, कनेर का फूल कब खिलता है, गर्मियों में कैसे कनेर का ध्यान रखें, अप्रैल मई में कनेर को खास ध्यान कैसे रखें। तो दोस्तों आज मैं इस सबको विस्तार रूप से बताऊँगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नया है तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कनेर का फूल एक हार्डली प्लांट है। कनेर का प्लांट दोस्तों, आप अगर नया नया गार्डनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले बता दूँ कि कनेर का पौधा जो होता है वो जहरीला प्लांट होता है। इसको आप बच्चों से दूर रखें और इसको दूध से दूर आप रहिए, क्योंकि इसको दूध जो होता है वो लग जाता है तो स्किन पर तो बहुत दिक्कत करती है। तो दोस्तों आपका कनेर का खास ध्यान कब रखना है, तो अप्रैल में आप मई में इसको खास ध्यान कर सकते हैं। कैसे, इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो जैसे आप पौधा लगाए हैं तो इसको आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इसको प्रूनिंग करनी है। तो प्रूनिंग कब करनी है कि प्रूनिंग आपको मार्च तक कर लेनी है। अब अप्रैल मई में क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से इसको भोजन दीजिए, और भोजन देने के बाद इसको आप ध्यान क्या करना है कि इसको जैसे ही आपका आप जैसे प्रूनिंग कर लिए, प्रूनिंग करने के बाद इसमें न्यू ब्रांच आया तो मई तक आपको अच्छा आराम से अप्रैल तक आ जाएगा, मार्च अप्रैल तक मई तक आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या करनी है कि आप इसमें अच्छी भोजन इसको दीजिए। जैसे हम लोग गमला में लगाते हैं तो इसको सीमित भोजन देते हैं। तो सीमित भोजन है तो उसको खास ध्यान रखना है कि आपको कितना इसको भोजन चाहिए। तो जैसे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका प्लांट बड़ा है और छोटा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा प्लांट कैसा है। तो जैसे देख रहे हैं कि हाँ इतना बड़ा प्लांट है तो इसको अच्छी भोजन मिलेगी तब तो इसका ग्रोथ आगे भागेगा। दूसरा बात क्या हुआ कि इसको आप कौन सी गमला में लगा रहे हैं, तो गमला इसको कितना सीमित होना चाहिए। तो आप छोटा में भी लगा सकते हैं, बड़ा में भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ मेरा जो गमला है वो 12 इंच का है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि इसको हमेशा गुड़ाई कर इसमें रिन्यूअल कर देती हूँ मिट्टी को। चाहे तो आप इसको पूरा रिपोर्टिंग कर दीजिए, नहीं तो इसको रिन्यूअल कर दीजिए। तो इसको कनेर को देखभाल हो गया। दूसरा में हुआ कि कनेर का घर में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल आप लगा सकते हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देनी है कि इससे बच्चों से दूर रखनी है। अरे बहुत खूबसूरत प्लांट होता है दोस्तों, बहुत सुंदर लगता है, इसका कलर भी बहुत आता है, इसका लीव्स जैसे देख रहे हैं कि इसका ये चौड़ा होता है। तो दोस्तों इसका फूल कब खिलता है, तो इसको फूल के बारे में बता दूँ दोस्तों कि आपको जैसे ही अप्रैल शुरू होता है तो इसको अच्छी अच्छी, हालांकि मार्च की अंतिम में भी इसका फूल बहुत अच्छा तरह से आ जाता है, लेकिन आप प्रूनिंग किए हैं कैसे किए हैं उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ बढ़ी या नहीं बढ़ी है। तो आप इसको मार्च से फूल खिलना शुरू हो जाता है, भर गर्मी तक बरसात तक पूरा अच्छा तरह से सितंबर तक करता है। इसका नवंबर में ग्रोथ रुक जाता है, नवंबर दिसंबर में जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इस तरह से फूल खिलता है दोस्तों। अब इसको लगाना कैसे है, तो सॉइल मिक्सचर है जैसे कि आप लगाना है तो आप इसको सबसे अच्छी इसका लगाने का कटिंग और ऐसे भी लगाने का सीजन रेनी सीजन बहुत अच्छा होता है, उसमें आप कैसे भी लगा दीजिएगा तो ये आराम से ग्रोथ बढ़ा लेगी और आराम से आपका चलते पड़ेगा ये। तो इस तरह से करना है दोस्तों, तो रेनी सीजन बहुत अच्छा होता है कटिंग का भी और वैसे भी। तो जैसे ही इसका फरवरी में आप प्रूनिंग किए, इसका फूल शुरू हो गया, उसके बाद इसमें क्या करनी है दोस्तों कि आप इसको खाद कौन सी देनी है।
तो खाद के जहाँ तक बात करते हैं, किसको आप गुड़ाई कीजिए, गुड़ाई करने के बाद अगर आपका रिपोर्टिंग करना है, रूट बॉन्डिंग हो गया है, तो आप इसको हटाकर हाफ जड़ इसको काट लीजिए, छोटा छोटा ब्रांच, और इसको फिर उसी में मिट्टी को रिन्यूअल कर दीजिए। तो मिट्टी को आपके नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है आपको दोस्तों, बस 50% ले लीजिए, 30% आप गाय के गोबर ले लीजिए, और आप 20% इसमें आप रेत मिला दीजिए, उसके बाद 10% आप कोकोपीट मिला दीजिए। आप मिला के आराम से इसको दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें भी आपको जो सरसों खली होता है उसको आप 2-3 चम्मच डाल दीजिए, और थोड़ा सा DAP के 10 दाना घोल बनाकर और इसमें डाल दीजिए। तो ये आराम से आपको भर गर्मी भर बरसात ये फूल देते जाएंगे। सिर्फ आप इसमें गुड़ाई 1 महीना कीजिए और इसमें पानी डालते ही रहिए, तो ये आराम से आपकी ग्रोथ बनाते जाएगी और ये आपको फूल देते ही जाएगी। तो इस तरह से करना है दोस्तों, आपकी बहुत अच्छा से अच्छा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और भी है भी चाहिए, जो कि आपका बहुत ज़्यादा फूल आए, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाई हूँ, उस पर आप देख सकते हैं कि मैं कौन सा चीज़ उसमें डाली हूँ। तो दोस्तों इसको आप 15 दिन बाद भी, 1 महीना पे खाद डाल सकते हैं, और 15 दिन पर आप इसमें ओनियन पील भी अच्छी तरह से फ्लावरिंग के लिए डाल सकते हैं। तो ओनियन पील आप लिक्विड कैसे बनता है उसका मैं वीडियो बनाई हूँ, आप देख सकते हैं। प्याज तो सभी कोई खाता है दोस्तों, आप प्याज को रखिए, खा जाइए, छिलका को रख दीजिए। आप एक कैरी बैग में थैला बनाइए, उसको आप पानी में डिप कीजिए, और डिप करने के बाद 1 दिन 24 घंटा रखिए, और फिर उस कैरी बैग को फेंक दीजिए। तो आराम से आप उस पानी में उतना ही पानी मिलाकर इसमें डालिए, फिर देखिएगा कमाल क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग होगा आपको, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों इस तरह से इसके केयर होगा, इस तरह से आप इसको देखभाल कर सकते हैं। और अभी तो बहुत गर्मी का मौसम है, इसको धूप भी तो चाहिए, 8 घंटा के धूप ज़रूरी चाहिए, दिन भर के आप धूप देख सकते हैं, लेकिन इसमें पानी आप ज़रूर डालिए, क्योंकि पानी सुबह शाम देना ज़रूरी रहता है। वेल ड्राइन सॉइल भी होना चाहिए, जो कि पानी ठहरना नहीं है इसमें। आप ड्रेनिंग सिस्टम इसको बहुत अच्छी तरह से रखिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अपना फ्लावरिंग देते ही रहेगा, सिर्फ आप सुबह शाम पानी डालते रहिए। ज़्यादा इसको ड्राई भी मत होने दीजिए, ऐसे तो ये हार्डली प्लांट है, लेकिन ये हम लोग जो गमला में इसको खाना भोजन देते हैं, ये तो सीमित ही देते हैं, तो इसको भोजन पानी के देना तो हम लोग का ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट ज़्यादा ज़्यादा हार्डली धूप रहेगा तो ये ज़्यादा सूख जाता है। ज़मीन में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप पानी दीजिए या मत दीजिए कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन गमला में तो ये सीमित है। तो इस तरह से करनी है दोस्तों, और इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता है, कम केयर में ही ये बहुत आराम से आप चलते ही पड़ता है। और अगर आपका इसको प्रूनिंग करना है, कटिंग लगाना है, तो इसे अभी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है दोस्तों कि ये कटिंग अभी ज़्यादा नहीं चलता है, कटिंग का चांस उतना अभी नहीं रहता है। तो मैं तो इसको कटिंग से ही लगाई थी, मैं पीला वाला को भी कटिंग से लगाई थी, लेकिन मैं रेनी सीजन में लगाई हूँ दोस्तों, रेनी सीजन सबसे अच्छा होता है इसके लिए, बेस्ट होता है उस समय कि आपका ग्रोथ बहुत आराम से भागते ही रहता है। तो इसी तरह से करनी है, आप सुबह शाम इस पर पानी डालिए और आराम से इससे फूल प्राप्त करते ही रहिए, खूबसूरती का आनंद उठाते ही रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।